my friends. Guys, invisible, invisible man, invisibility. ये बहुत ही magical words हैं. I am sure आपने अपनी life में इन magical words को सुना होगा और अपने मन में कभी ना कभी सोचा होगा कि क्या invisibility possible है? क्या सचमुच invisible man exist करते हैं? कोई ऐसी things invisible हैं? जब भी आपने कभी magician का शो देखा होगा तो वो आपके सामने चीजों को invisible कर देता है आपकी आंखों के सामने. बट वो इनविजिबिलिटी तो नहीं है. या कभी आपने किसी मूवीज में, हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर, उस फिल्म में जो मेन रोल है हैरी का, वो उसके पास एक ऐसी जैकेट है जिसको डालते ही उसका पूरा का पूरा शरीर इनविजिबल हो जाता है. तो गाइस, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी, क्या ऐसी जैकेट, क्या ऐसे मटेरियल असल में अवेलेबल है हमारी दुनिया में जो इनविजिबिलिटी को पॉसिबल कर सकते हैं? क्या इनविजिबिलिटी सचमुच पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो क्या है इसके पीछे की साइंस? कैसे इनविजिबिलिटी काम करती है और हमारे सामने अभी तक क्यों किसी ने इनविजिबिलिटी का नाम नहीं लिया और हमें मार्केट में कोई भी ऐसी चीज देखने को क्यों नहीं मिली? तो गाइस, इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इनविजिबिलिटी है क्या और एट लास्ट द ट्रुथ, इनविजिबिलिटी अचीव हो चुकी है. किस स्केल पे हुई है उसके बारे में इस वीडियो सेशन में मैं बात करूंगा. सो गाइस, वेलकम टू विंसी साइटेक एंड आई एम योर होस्ट जयदीप सिंह. लेट्स स्टार्ट द लर्निंग. दोस्तों, इनविजिबिलिटी की साइंस को समझने से पहले हमें समझना होगा विजिबिलिटी को, कि हमें चीजें नजर कैसे आती हैं. अब लाइट है, लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब पड़ती है, उसके फोटॉन्स या उसके पार्टिकल्स जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ते हैं तो उनमें से कुछ पोर्शन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से बाउंस होता है, यानी कि रिफ्लेक्ट होता है, और वो रिफ्लेक्शन का कुछ पोर्शन आपकी आंखों में पड़ता है जिससे आपकी आंखें आपके ब्रेन को सिग्नल देती हैं और आप उस सिग्नल को प्रोसेस करके जान पाते हो कि उस ऑब्जेक्ट का क्या कलर है, क्या कॉन्ट्रास्ट है, क्या ब्राइटनेस है और कितनी दूरी पर है. ये असल में प्रिंसिपल होता है कि चीजें आपको दिखती कैसे है. अब क्या हो कि जो चीजें लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रही हैं, वही लाइट की रिफ्लेक्शन हो ही ना. यही प्रिंसिपल गाइस इनविजिबिलिटी को जन्म देता है. इनविजिबिलिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक प्रूव हुए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स में वो जो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो सीधा का सीधा उस लाइट को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से ग्लाइड करवा के आगे डाल देते हैं, यानी कि हमें वो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा इनविजिबल दिखता है. उसके पीछे जो भी इमेज होगी हमें वो नजर आएगी, ना कि वो ऑब्जेक्ट. सबसे पहले 2003 में जापान में रिसर्चर्स ने प्रूव किया था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की थी जिसका नाम था रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेक्नोलॉजी. इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत उन्होंने एक चार लेंसेज की मदद से, जो आपके टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप में होते हैं, उनकी एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लेंसेज ने, मतलब चार लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज किया. उन कॉम्बिनेशन को उन्होंने इस हिसाब से एडजस्ट किया उनके बीच के डिस्टेंस को, ताकि वो लाइट को ऐसे मैनिपुलेट करते थे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से कि वो लाइट, वो ऑब्जेक्ट हमें इनविजिबल हो जाता था एक पर्टिकुलर व्यूइंग एंगल से अगर देखे तो. फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए मान लीजिए कि जो उन्होंने सेटअप बनाया था वो लेंसेज के रूप में था, जैसे कि एक पहला लेंस, उसके कुछ डिस्टेंस के बाद दूसरा लेंस, तीसरा लेंस, चौथा लेंस. इन चार लेंसेज के बीच का डिस्टेंस एक पर्टिकुलर सिंक्रोनाइजेशन के साथ एडजस्ट किया गया था, और आप एक पर्टिकुलर आईपी से, मतलब एक लेंस की ओर से देखते थे, और दूसरे लेंस की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग होता था तो वो आपको इनविजिबल नजर आता था. अल्टीमेटली वो पूरा का पूरा सेटअप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से जो भी लाइट पड़ती थी उस लाइट को मैनिपुलेट करता था, जिसकी वजह से आपको चीजें इनविजिबल नजर आती थी. बट असल में वो चीजें इनविजिबल नहीं हुई थी, जस्ट एक इल्यूजन क्रिएट किया गया था. अब ये टेक्नोलॉजी अनफॉर्चुनेटली पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई, या कुछ बहुत बड़े ड्रॉबैक्स थे. सबसे पहला जो बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि ये जो टेक्नोलॉजी थी, ये लार्ज ऑब्जेक्ट्स को या कुछ इररेगुलर ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि ह्यूमन बॉडी को, क्लोक नहीं कर सकती थी, यानी उसको कवर नहीं कर सकते थे. मतलब इतने बड़े ऑब्जेक्ट को इनविजिबल करना उस टेक्नोलॉजी के लिए पॉसिबल नहीं था, अगर उसको बड़े स्केल पर भी किया जाता. प्लस वो जो टेक्नोलॉजी थी वो एक सर्टेन व्यूइंग डिग्री से ही हमें इनविजिबल करती थी, यानी कि हम एक पर्टिकुलर एंगल से देखेंगे तभी हमें चीजें इनविजिबल नजर आती थी. अगर हम मूव ऑन करना शुरू करेंगे, यानी कि किसी और एंगल से देखेंगे, उसको ऊपर से देखेंगे या नीचे से देखेंगे, तब हमारे व्यूइंग एंगल में डिफरेंस
डिस्टेंस होने की वजह से हमें चीजों में डिस्टॉर्शंस नजर आती थी, मतलब कुछ पार्ट इनविजिबल होता था कुछ पार्ट विजिबल होता था हमारी आईज के लिए। तो गाइज इस टेक्नोलॉजी के बाद 2006 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक रिसर्च की गई जिसमें असल में इनविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट को बहुत ही बल मिला। मतलब पिछले कुछ सालों से असल में इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है और इन फ्यूचर में मतलब मुझे लगता है कि जो भी इनविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट आएंगे, जो भी आप एक्सपीरियंस करोगे, वो अल्टीमेटली इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होंगे। 2006 में जिस टेक्नोलॉजी को गाइस डेवलप किया गया था उसमें एक ऐसा मटेरियल डेवलप किया गया जिसे नाम दिया गया मेटामटेरियल्स। मेटामटेरियल्स असल में एक सिंथेटिक आर्टिफिशियल मटेरियल्स थे जो एक पर्टिकुलर लेबोरेटरी में डेवलप किए गए थे। ये किसी भी तरह से नेचुरल मटेरियल नहीं था, यानी हमें नेचर से नहीं मिला था। इसको पर्टिकुलर कंडीशंस में लेबोरेटरी में डिजाइन किया गया था कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल इस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो नेगेटिव था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में हमें लाइट की वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में किसी पर्टिकुलर मीडियम में इंडिकेट करता है। जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट की वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट में उतनी ही स्लो होगी। फॉर एग्जांपल जब भी आप एक सॉलिड पेंसिल को पानी के ग्लास में डालते हो तब क्या होता है, जो इंटरफेस है पानी और एयर का इंटरफेस है वहां से आपको पेंसिल में डिस्टॉर्शन नजर आती है, पेंसिल टूटी हुई नजर आती है। वो क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि लाइट की स्पीड एयर में अलग है और पानी में लाइट की स्पीड अलग है, उन स्पीड ऑफ डिफरेंस की वजह से ही हमें बीच में डिस्टॉर्शन नजर आती है। क्या हो कि अगर पानी की जगह पर मैं ऐसा मटेरियल यूज करूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव हो, तब आपको चीजें कुछ ऐसी नजर आएंगी, मतलब पेंसिल पूरी की पूरी इंक्लाइन। और यही प्रिंसिपल यूज होता है मेटा मटेरियल्स में। मेटा मटेरियल्स में जो भी मटेरियल्स यूज किए गए हैं वो लाइट को इस हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, इतने वे से स्कैटर करते हैं ताकि वो लाइट उन मटेरियल्स के चारों तरफ ग्लाइड करके चली जाती है और हमें वो जो ऑब्जेक्ट को हमने इनविजिबल करना होता है उसके ऊपर से लाइट चली जाती है और हमें वो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा इनविजिबल नजर आता है, मतलब एक इल्यूजन क्रिएट कर देती है। ऐसे मेटा मटेरियल्स डिजाइन किए जा चुके हैं। तो गाइज अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मटेरियल हमारे पास या हमने इसके बारे में सुना क्यों नहीं है अगर इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। तो गाइज इसलिए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी भी पूरी तरह से फुल स्केल के ऊपर आई नहीं है। बिकॉज सबसे पहला जो इस टेक्नोलॉजी का ड्रॉबैक है वो ये है कि ये टेक्नोलॉजी अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 mm square यानी कि एक मिट्टी के दाने जितने साइज के पार्टिकल को ही क्लोक करने में पॉसिबल हो पाया, यानी कि उतना छोटा पार्टिकल ही इनविजिबल हो पाया है। अभी इस टेक्नोलॉजी को पूरे बड़े स्केल के ऊपर, यानी कि ऐसे मटेरियल्स नहीं डेवलप किए गए जिसको पूरे बड़े स्केल के ऊपर ला सके, और ऐसे मेटा मटेरियल्स डिजाइन किए जा चुके। प्लस ये जो मेटा मटेरियल्स थे ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही स्कैटर कर पाते थे, मतलब जो भी लाइट उस मटेरियल के ऊपर पड़ती थी वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर पाते थे और उसी वेवलेंथ से ही हमें चीजें इनविजिबल नजर आती थी। अगर एक पेपर पब्लिश हुआ था इनविजिबिलिटी क्लोक्स इन द रिलेटिविस्टिक मोशन, उस पेपर में रिप्रेजेंट किया गया था कि जब भी चीजें मूव करती हैं, मतलब रिलेटिविस्टिक मोशन में होती है, तब जो लाइट की वेवलेंथ है वो कॉन्टिन्यूसली वेरी करती रहती है। अगर मेटा मटेरियल्स ऐसे यूज किए गए रियल लाइफ में तब क्या होगा, हमें जैसे जैसे चीजें मूव करेंगी वैसे वैसे मेटा मटेरियल्स में डिस्टॉर्शन, मतलब लाइट में डिस्टॉर्शन पैदा होगी और हमें वो चीज फिर भी पूरी नजर नहीं आएगी, मतलब कुछ पार्ट नजर आएगा कुछ हमारे लिए इनविजिबल होगा, मतलब पूरी तरह से क्लोकिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ये अभी तक कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जिनको अभी तक साइंटिस्ट मतलब सॉल्व नहीं कर पाए हैं, बट पिछले तकरीबन 10 सालों से इसके ऊपर रिसर्च चल रही है और बहुत से साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा मटेरियल अचीव करने में पॉसिबल हो पाए जो कि असल में हैरी पॉटर में दिखाया गया जैकेट के जैसा है। अगर तो गाइज ये चीज पॉसिबल हो जाती है तो मतलब एक ऐसा जैकेट डेवलप किया जा सकता है जिसको हम डालेंगे और हमारा पूरा का पूरा शरीर इनविजिबल हो जाएगा, या किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर कवर कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट किसी भी आसपास खड़े इंसान को या पर्सन को नजर नहीं आएगा। मतलब आप सोच के एक बार ही देखो कि अगर ऐसे मटेरियल्स एग्जिस्टेंस में आ गए तो इसका खतरा भी हो सकता है और इसके फायदे भी बहुत हो सकते हैं।
बट जब भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो चांसेस होते हैं कि उसका खतरा पहले डेवलप होता है और बेनिफिट्स बाद में होते हैं। बट आई एम श्योर कि साइंस जरूर अपना काम करेगी और ऐसे मटेरियल्स डेवलप करेगी और उनके यूजेज को सेफ्टी के साथ पूरी तरह से पूरी दुनिया में यूज करेगी। तो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द इनविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, इनविजिबिलिटी क्लोक। एंड आपको पता लग गया होगा कि साइंस इनविजिबिलिटी की क्या है और इनविजिबिलिटी कैसे अचीव हो पाई है लैबोरेटरीज में, अभी तक रियल लाइफ में अचीव इसको नहीं किया जा सका है। तो गाइज, आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और शेयर गाइज जरूर कीजिए इनविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को और लोगों तक पहुंचाने के लिए। जो लोग आपके दोस्त मैजिशियन है, मैजिक में विश्वास करते हैं या हैरी पॉटर की मूवीज देखते हैं, उनको बताइए इनविजिबिलिटी के बारे में। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बिकॉज इस चैनल के ऊपर आपको टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, मतलब आई एम कोशिश करूंगा कि आपको सीधे लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में आपको चीजों को क्लियर कर सकूं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।